तुम्हारी स्थिति पर निर्भर होता है। तुम तनावग्रस्त हो, छोटे दिमाग से सोच रहे हो, तब तुम्हारे भीतर कोई ज्ञान उतरता ही नहीं। उस वक्त तो तुम कहोगे, अपना बुद्धि लगाओगे, तर्क लगाओगे और तर्क को लेके फिर बहस करने लगोगे। तब गुरु क्या देखेंगे, देखेंगे अच्छा अभी तो इसका अभी थोड़ा कच्चापन है, तो कह देंगे जो चलो जो तुम्हें इच्छा सो करो। मगर बुद्धि तुमको, तुम्हारी बुद्धि ये कहती है कि मुझे इसके बारे में समझना है, तब एक तरीका होता है कहने का, बोलने का। और गुरु का काम यही होता है, तो अपना बुद्धि इस्तेमाल करो, ये बोलते जाते हैं। शिष्य का काम ये होता है कि आप जानते हैं जो बात है, मैं आपके कहने पर चलूंगा। ये अलग अलग रुख है, ये अपना स्थिति के अनुकूल है, अपनी मानसिकता, अपनी स्थिति जिस स्तर पर है उस स्तर पर ये बात चलती है।